साथियों, आप ही की ही प्रेरणा से बीते चार महीने में ऐसे अनेक संकल्प पूरे किए गए हैं जो चुनाव के दौरान हमने लिए थे। हमने देश की 8 करोड़ गरीब बहनों के घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया था। उसको कल ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद के कार्यक्रम में हासिल कर लिया गया है और हरियाणा में ही 7 लाख से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। हमने संकल्प लिया था कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के हर किसान परिवार को दिलाएंगे। सरकार बनते ही इसको लागू कर दिया गया है। अभी तक देश भर में इस योजना के तहत देश के 7 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिल चुका है, जिसमें 13 लाख से अधिक परिवार सिर्फ हमारे हरियाणा के हैं। इतने कम समय में ही देश भर के किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपया, तो हरियाणा के किसानों के खाते में 425 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। किसान परिवारों के लिए ही पेंशन का एक और बड़ा संकल्प आपके सामने भाजपा ने रखा था। बुढ़ापे में सहारा देने वाली हर महीने 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित करने वाली ये योजना भी शुरू हो चुकी है। बहुत ही कम समय में देश भर के करीब 8 लाख किसान भाई बहन इस योजना से जुड़ भी चुके हैं। इनमें से 33,000 से अधिक मेरे हरियाणा के किसान भाई बहन हैं। आने वाले समय में इसमें व्यापक वृद्धि होने वाली है, बल्कि बहुत ही जल्द छोटे और लघु व्यापारियों और कारोबारियों के लिए भी पेंशन योजना की सुविधा मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, किसानों के हित में ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं जिनके बल पर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होकर के रहने वाला है। किसानों की लागत कम हो, फसल का उचित दाम उन्हें मिले, उपज की बर्बादी ना हो, इसके लिए निरंतर नए नए प्रकल्प आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रोहतक में बनने वाला मेगा फूड पार्क ऐसी ही कोशिशों का एक हिस्सा है। इस फूड पार्क से हरियाणा के हजारों किसानों और व्यापारियों को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ फूड पार्क से करीब करीब 7,000 लोगों को नए रोजगार मिलने वाले हैं। इसके अलावा इससे फूड प्रोसेसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए एक प्रभावी सप्लाई चेन यहां विकसित की जा रही है।